यूरोप में तालीम हासिल की, आपने 4 साल जर्मनी में गुजारे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर अक्सर जो शहर हैं बहुत पुराने हैं, 400-500 साल की उनकी हिस्ट्री है। बर्लिन की बात कर लें, हाइडलबर्ग की बात कर लें, लंदन की बात कर लें, मैनचेस्टर की बात कर लें, और वहाँ पर सड़कें भी नैरो हैं, तंग हैं, उसके अलावा कंजेशन टैक्स होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने सिस्टम्स इस तरह से इवॉल्व किए हैं कि कभी ट्रैफिक कम ही वहाँ पर रुकती है। बिल्कुल ऐसे है, लंदन में तो जैसे सेंट्रल एरियाज़ हैं वहाँ पे कंजेशन चार्जेस हैं और वो काफ़ी हैवी हैं, और ये मेन चीज़ है जो डिस्करेज करता है लोगों को अपनी गाड़ी ना लेके जाएं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फोर्स नहीं कर सकते। आपने लोगों को इनक्रेज करना है टुवर्ड्स यूजेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिस्करेज करना है कि वो अपनी जो प्राइवेट व्हीकल है उसको वो यूज़ ना करें। तो ये इसका एक ऑप्शन हो सकती है जिसके थ्रू आप उसको डिस्करेज कर सकते हैं। सेकेंडली, जर्मनी के अंदर बहुत एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप शहर के सेंटर में जाएँ, सिटी सेंटर जो हैं वो ऑल पेडेस्ट्राइज हैं, वहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल को लेके नहीं जा सकते, यू हैव टू पार्क इट समवेयर। तो आप जब सेंट्रल एरिया में मूव कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसे प्राइवेट व्हीकल नज़र नहीं आ रही हो, आप एक बड़ा अच्छा एक फन टाइप एक्सपीरियंस जो है आप इंजॉय करते हैं वहाँ पे, क्योंकि सारे पब्लिक स्क्वेयर्स हैं जहाँ पे कोई ऐसी वो रश और सा ये चीज़ नहीं है। और थर्ड, उनका एक प्लानिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर आपको उस किस्म की इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आएंगी। लेकिन ये चीज़ है, जब आपके सिटी सेंटर्स में जाएंगे तो आपको जो जो टी स्टॉल्स हैं बाकी हैं वो आपको पब्लिक स्पेस स्ट्रीट्स के ऊपर सारे वो बिजनेस कर रहे हैं, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बिल्कुल वो कर रहे हैं। और वो जो जो मनी है दैट वो सारी मनी जो है वो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, उनको वो जा रही है, और वो स्पेस खुद रेंट आउट करते हैं उनको कि वो यूज़ करें, और बाकी सारी एक्टिविटी जो है पेडेस्ट्रियन है।